मैंने पीलर यूज किया और पील ऑफ ऑल द स्किन ऑफ द रॉ मैंगोज, सभी को इस तरह कर लूंगी, फिर इसकी करेंगे चॉपिंग। ये कैरीज आई हैं, कल आई हैं, लेकिन मैं इसमें से सारी नहीं लूंगी, मैं दो तीन लूंगी और साथ मिर्च जो वो मेरी मेड धो के बड़े अच्छे से उसके लीव्स बनाकर चली गई है, आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए पुदीना तो ऑब्वियसली जाएगा, ये देखे इसके लीव्स हैं, आय हाय का अरोमा रखा है अल्लाह ताला ने इसमें। और ये मेरे लॉन कट तोड़ा हुआ फ्रेश जो है वो है मिंट है, और ये देसी पुदीना है जो कि फ्लेवर में कमाल है। तो इसके साथ कोई स्टेम्स वगैरह नहीं। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून टू यू ऑल एंड वेलकम टू माई चैनल कौशल अलवी लाइफ स्टाइल। समर्स हैं, समर्स के हवाले से बात करेंगे, समर्स ड्रिंक्स शेयर करेंगे और समर रेसिपीज लाएंगे लाइट लाइट सी जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो इसी एपिसोड में, इसी सेम जर्नी में आज मैं आपके लिए ला रही हूँ एक जबरदस्त सी डाइजेस्टिव सी एक चटनी की रेसिपी ला रही हूँ जो कि बकर ईद के खानों को जो आप रगन खाएंगे शौक से माशाल्लाह खाने भी चाहेंगे लेकिन उनको डाइजेस्ट करना गर्मी की ईद में दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो मैं इसके लिए क्या ला रही हूँ, मिंट एंड कैरी की एक जबरदस्त चटनी जो मैजिक करेगी और आपको इसके फायदे भी मिलेंगे, साथ में खाना भी हजम हो जाएगा। देखा ना ड्यूल बेनिफिट आ रहा है, मिंट जो कि डिटॉक्सिफाई करता है हमारे ब्लड को, अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ज्यादा अमेजिंग क्वालिटीज रखी हैं इसके हर्ब्स में, इसको पेट दर्द में बच्चों में पानी के उसको बॉइल करके देते हैं, सादे पानी में डिटॉक्सिफाई वाटर बना लें या फिर धनिया पुदीने मिर्चों की चटनी तो सालों से बन रही है, नानी दादियां हमारी बनाती थी हर खाने के साथ, कुछ भी ना हो तो नूरी रोटी हो, पराठा और चटनी हो, दाल सब्जी हो और ये चटनी हो, आए हाय कमाल। और कैरी, कैरी क्वीन इज सो मच इन समर्स नाउडेज कि आई एम गोइंग टू कंबाइन इट विद द मिंट लीव्स, ग्रीन चिलीज एंड, और उसके साथ साथ क्या जाएगा, जबरदस्त सी चटनी बन रही है मिंट एंड कैरी, पुदीना और आम, कच्चा आम यानी कैरी छोटी होती है, अंबिया बोलते हैं, और जो बचपन में खाते थे नमक मिर्च लगा के, ओए होए। तो स्टिल आई हैव दिस इन माय रेफ्रिजरेटर फ्रॉम टू डेज। और आज जो मैंने आपके लिए शेयर किया ना पीच ड्रिंक, जबरदस्त आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे फीडबैक दें, कमेंट करें और चले ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं पुदीने और कैरी की चटनी। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें, समर सीरीज के और ईद के हवाले से बड़े जबरदस्त सी रेसिपीज आपके लिए ला रही हूँ, तो लाइक तो बनता है ना। पील्ड अप दीज थ्री रॉ मैंगोज, नाउ आई एम गोइंग टू मेक देयर चंक्स। देखिए स्टोन्स को डिस्कार्ड कर दिया था इस तरह की, हमने इनके चंक्स बना लिए थे, नाउ आई पील ऑफ द गार्लिक और फिर इन वाली मिर्चों की ये स्टेम्स काट के इसको प्रोसेस करते हैं। भी छिल गया था यहाँ हमारी मिर्चें और कैरी जो थी चॉप हो चुकी थी, इनको डालते हैं इस ब्लेंडर में, गार्लिक सॉल्ट तो टेस्ट बैलेंस करने के लिए शुगर ऐड करेंगे सर अबाउट 1 टेबल स्पून जो इसको प्रिजर्व भी करेगा और इसको प्रोसेस करने में हेल्पफुल होगा। कितना अच्छा कोर्स ग्राइंड हो गया, इसमें डालते हैं मिंट, ग्राइंड करेंगे ताकि सारा मिंट इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। निकालने से पहले इसका सॉल्ट कंटेंट और शुगर टेस्ट वगैरह इसका चेक कर लेंगे और फिर इसे डिश आउट करके बोल में आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह देखिए इसको हमने क्यूमन एंड बटन मिर्च का तड़का लगाया और एक जबरदस्त सा फ्लेवर आ रहा है जो कि इस चटनी को मुनफरिद बनाएगा। आप इसे पराठे से खाएं, दाल चावल से खाएं या फिर किसी भी टिक्का बारबेक्यू बिरयानी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, रायते में डाल सकते हैं। की चटनी तैयार हो गई है, मुंह में पानी आ रहा है और आज मेरा ड्रेस भी ग्रीन है फ्रेंड, माउथ वाटरिंग कैरी और हरी मिर्चों की चटनी तड़के के साथ। आई विश आई कुड टेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू बट दिस इज नॉट द मील टाइम। होम डिलीवरी हो चुकी है माशाल्लाह से, चिकन पीस आया और ये आया है साथ नान आया है और मैं चटनी से टेस्ट करके आपको बताती हूँ इसका टेस्ट क्या। अलवी साहब अपने घर का करेला खाएंगे और मैं ये एंजॉय करके कैरी की चटनी से आपको इसका टेस्ट बताती हूँ। जबरदस्त सा तंदूरी टिक्का आया है फूड पांडा से, यहाँ हमारे करीब ही है, बड़ा अच्छा फूड पॉइंट है। इसको तोड़ते हैं, अब साथ चटनी लगाएंगे, रायता लगाएं, लेकिन मैं तो इसे कैरी की चटनी से टेस्ट कर रही हूँ। माल का टेस्ट है फ्रेंड, इस वाली चटनी के साथ किसी सैलेड की जरूरत नहीं है,
किसी चीज की जरूरत नहीं है, दही की नहीं है। जबरदस्त टेस्ट है, खट्टा मीठा मजेदार सा टेस्ट है। इस रेसिपी को ट्राई करें, फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।